आखिर एम फैक्टर इस बार चुनाव पर क्यों छाया रहा? हकीकत यह है कि एम फैक्टर से जितने मुद्दे निकले वो इतने तीखे, इतने धारदार थे कि सीधे जनता के दिल में उतर गए। कभी ये मुद्दे एक पक्ष की तरफ से दिखे तो कभी दूसरे पक्ष ने एम फैक्टर को लेकर ही पलटवार किया। आप लिख के रखिए मेरे देशवासियों, हिंदुस्तान ने मन बना लिया है कि इस बार एनडीए 400 पार करने वाला है। ...2024 का रण अपने चरम पर है। जबरदस्त रैलियां हो रही हैं, मुद्दे उछाले जा रहे हैं, रैलियों में जमकर भीड़ जुट रही है। भीड़ जो देश के इन दिग्गज नेताओं से सुनना चाहती है कि उनका विजन, उनकी नीतियां, उनका अगले 5 साल का प्लान, और नेता बढ़ चढ़ कर बता रहे हैं कि वो कैसे देश की दशा और दिशा को बदल देंगे। 400 पार के नारे रह रह कर गूंज रहे हैं। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। और उधर से दावे हो रहे हैं कि 400 पार नहीं होगा, विपक्ष का अपना गणित है। बीजेपी जोर शोर से बता रही है कि 10 साल में कैसे देश की सूरत बदले, कैसे बड़े बड़े फैसले हुए, राम मंदिर बनने से लेकर धारा 370 हटाने तक का जिक्र हो रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में मजबूत सरकार भी देखी, जिस बात के लिए श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया, मोदी जी की सरकार ने धारा 370 को धाराशाही कर दिया और कश्मीर को संविधान के दृष्टि से एक साथ जोड़ करके रखा। बात मुद्दों की करें तो गिने चुने मुद्दे ही इस बार के चुनाव में उछल कर सामने आए। कहने भर को चुनाव घोषणा पत्र भी जारी हुए, लेकिन इनका जिक्र कम हो रहा है। इस सब के बीच एम फैक्टर इस चुनाव में बार बार सामने आ रहा है। चुनावी मुद्दों को एम फैक्टर के इर्द गिर्द सवाल उठाए जा रहे हैं। एम फैक्टर यानी मंगलसूत्र, एम फैक्टर यानी मंदिर का मुद्दा, जिसको बीजेपी अपनी एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर लोगों को याद दिला रही है। एम फैक्टर यानी मुसलमान का मुद्दा, जिसको लेकर इस बार गूंज ज्यादा सुनाई पड़ रही है। खुलकर भाषणों में मुसलमान का जिक्र हो रहा है। एम फैक्टर यानी मटन का मुद्दा, राहुल लालू ने मटन महीनों पहले पकाया, लेकिन सियासी तौर पर यह अब तक पक रहा है। और इसी एम फैक्टर का आखिरी मकाम बनकर आया मुजरा, जो चुनाव के सातवें दौर से पहले सामने आया। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी एसटी ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। तो क्या एम फैक्टर इस बार चुनाव के नतीजों पर असर डालेगा? इसका फैसला तो 4 जून को होगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।